द होल वॉज कवर्ड विद अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन लाइक द वॉशर इन अ फुटबॉल। तो जो होल था उसके ऊपर स्टमक ने अपनी एक स्क्रीन यानी लेयर चढ़ा दी थी, उस पर फ्लैप कर दिया था, जैसे कि आप फुटबॉल का वॉशर दिखते हो। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू द मार्टिन स्टमक। जैसे ही आप स्किन पर प्रेस करते थे, दबाते थे, आप मार्टिन के स्टमक को के अंदर झांक सकते थे। नॉट ओनली डैट, केवल झांक ही नहीं सकते, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाई पुटिंग अ ट्यूब इन द होल। और क्या कर सकते थे कि डॉक्टर जो है उसके होल में से जो स्टमक में जो खाना है वो भी पाइप के थ्रू निकाल सकते थे। सो क्या हुआ, डॉक्टर बेयरमैन फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर। डॉक्टर बेयरमैन को लगा कि उसने ट्रेजर पा लिया है। कैन यू गेस, क्या बता सकते हो, हाउ मच टाइम ही स्पेंड ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन दिस स्टमक, यानी उसने कितना टाइम स्पेंड किया था इन सब पर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। देन कैन यू, और 9 years ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड। 9 years, 9 साल, ओके। एंड टाइम, और इस दौरान मार्टिन बड़ा हुआ और उसकी शादी हो गई। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड। इस वक्त तक साइंटिस्ट को नहीं पता था, नहीं पता था कि खाना कैसे पचता है था। हाउ डज द लिक्विड क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक हेल्प, किस तरह से डाइजेस्टिव जूसेस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। Does it only help in making the food wet and soft? क्या केवल ये digestive juice खाने को गीला और मुलायम बनाने के लिए होते हैं? और does it help in digestion? और या फिर ये digestion में भी मदद करते हैं? Dr. Bayman took some liquid juices out of the stomach. Dr. Bayman ने क्या किया कि कुछ liquid juices को stomach से निकाल लिया। And he wanted to see, और वो देखना चाहते थे कि what would happen, क्या होगा to a food item kept in a glass filled with it, अगर मैं इस food item को glass के अंदर रख देता हूँ। Would it get digested on its own, क्या ये अपने आप digest हो पाएगा। For this he did an experiment, इसके लिए उन्होंने एक experiment किया। With the help of tube की मदद से he took out some digestive juices from the stomach, उन्होंने स्टमक से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस बाहर निकाल लिया। एट 8:30 AM और सुबह 8 बजे ही पुट 20 टाइनी पीसेस ऑफ बॉयल्ड फिश इन 10 ml ऑफ जूसेस। और उन्होंने क्या किया, सुबह 8:30 बजे उस 10 ml जूस में 20 छोटे छोटे मछली, उबली हुई मछली के टुकड़े डाल दिए। एंड ही केप्ट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज डैट ऑफ आवर स्टमक, अबाउट 30 degrees Celsius। एंड उन्होंने उस ग्लास का टेम्परेचर का कितना रखा, 30 degrees Celsius, जितना कि हमारा स्टमक का टेम्परेचर होता है फूड डाइजेस्ट करते वक्त। So when he checked at 2 PM, जब उन्होंने दोपहर के 2 बजे चेक किया, he found that the pieces of fish had dissolved, यानी कि जो मछली के जो टुकड़े थे वो पूरी तरह से क्या हो चुके थे, घुल चुके थे, dissolved means घुल चुके थे। So Dr. Bayman tried this